स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक दैट्स एंटीडोट। एंटीडोट्स simply we are defined as the agents which stops or counteract the action of poison, the agents which stops or counteracts the action of poison. Means poisons का जो action होता है, if we are taken any poisonous substance, what happens? कोई भी हम अगर poisonous substance consume करते हैं by any route of administration, incidentally or accidentally, तो क्या होगा? तो कुछ ना कुछ हार्मफुल, टॉक्सिक, हैजर्डस, लीथल इफेक्ट जो है वो हमारे शरीर के ऊपर प्रोड्यूस होगा। हो सकता है कभी कभी डेथ भी हो जाए। तो ये जो पॉइजनस सब्सटेंसेस के जो इफेक्ट है उसको काउंटरैक्ट करना या फिर उसको रोकना, और जो कोई सब्सटेंस उसके इफेक्ट्स को काउंटरैक्ट यानी उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसको खत्म कर देगा, तो उस सब्सटेंस को हम एंटीडोट्स बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन ऑफ एंटीडोट। अब पॉइजन्स यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइजन्स? आपको पॉइजन यानी क्या, या फिर पॉइजन्स हमारे शरीर में किस तरह से दाखिल हो सकते हैं? डेफिनेटली इन सिंपल वर्ड वी आर डिफाइन द पॉइजन्स। जरूरत से ज्यादा हमें या हमारे शरीर में कोई चीज जाती है तो वो हार्मफुल या टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। सो दैट्स वी आर सेइंग द पॉइजन्स। पॉइजन को हम सिंपली एक सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं। एनी सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड इन वॉट एवर वे, किसी भी तरह से अगर वो हमारे शरीर में दाखिल होता है, बाय माउथ, इंजेक्शन, इनहलेशन, थ्रू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सेट्रा, वो किसी भी तरह अगर हमारे शरीर में दाखिल हो और वो प्रोड्यूस करे, व्हाट इट बी प्रोड्यूस? इल हेल्थ, डिसीज और डेथ, दैट सब्सटेंस वी आर सेइंग द पॉइजन्स। अब मैंने आपको एक बार समझाया भी था, शुगर इज ऑल्सो पॉइजनस, मेनली इन डायबिटिक पर्सन। सॉल्ट, नमक, दैट इज ऑल्सो पॉइजनस फॉर कार्डियक पेशेंट। सम ड्रग्स मे प्रोड्यूसेस टॉक्सिक इफेक्ट इन लार्ज डोसेस। Some drugs produces allergic effect in some patients. So every substance we are saying a poisons if it produces any ill health or harmful or toxic effect on users. Sometimes death may be occurs due to that. तो हम उसको poisons बोल सकते हैं। अब ये जो poisonous substances होते हैं, इन poisonous substances के जो effect है, that stop or counteract that drugs we are saying the antidotes. Simply antidotes we are classify in three categories or classes according to their or on the basis
ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वो किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के इसी के अकॉर्डिंग टू दैट्स वी आर क्लासिफाइड। फर्स्ट वन दैट्स वी आर सेइंग फिजियोलॉजिकल, एंटीडोट। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स फिजियोलॉजिकल, यानी वो कुछ ऐसे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे शरीर के जो एक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, उसी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। जो पॉइजनस इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है एग्जैक्ट उसके अपोजिट। सो व्हाट वी आर सेइंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट प्रोड्यूसेस एग्जैक्ट अपोजिट इफेक्ट टू दैट ऑफ पॉइजन्स। एग्जाम्पल सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट हाउ इट प्रोड्यूसेस इट्स एंटीडोट इफेक्ट, सिंपली इन साइनाइड पॉइजनिंग इफ वी आर कंसिडर दैट सोडियम नाइट्राइट कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन टू मिथाइल हीमोग्लोबिन इन ऑर्डर टू बाइंड साइनाइड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ कनेक्ट होकर उसको कन्वर्ट करता है मिथिल हीमोग्लोबिन में। And it binds to cyanide and this joins to cyanide. तो क्या होगा, cyanides cannot enter into cell, not enter in cell. So it cannot produces its effect. Second one, chemical antidote. अब ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कंबाइंड विद पॉइजन्स। केमिकल रिएक्शंस होता है उनके पॉइजन्स के साथ में, और उस पॉइजन्स का नेचर ही बदल डालते हो। आपको पता है अगर कोई भी सब्सटेंस आप लेते हो तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला जो होता है वो फिक्स होता है। अब उसमें अगर कोई बदलाव आ गया, कोई चेंजेस आ गए, तो क्या होगा, वो सब्सटेंस बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इथिल अल्कोहल CH3CHOH, ये हो गया प्रोपिल अल्कोहल। अब ये CH3OH और CH3CH2OH, मिथिल अल्कोहल एंड इथिल अल्कोहल, क्या हो गया, दोनों में थोड़ा सा केमिकल नेचर बदल गया तो दोनों के इफेक्ट बदल गए। तो जो ड्रग्स होते हैं उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर और फार्मूला होता है वो फिक्स होता है, लेकिन अगर वो किसी ड्रग्स के साथ रिएक्ट होते हैं और उसके फार्मूले में बदलाव आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके इफेक्ट जो है वो भी बदल जाते हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग, इट कंबाइंस विद द पॉइजन एंड चेंजेस इट्स केमिकल नेचर। Which stops the effect of poisons.
सिंपली एग्जाम्पल सोडियम थायोसल्फेट, अब ये सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है, सिंपली इन साइनाइड पॉइजनिंग कन्वर्ट साइनाइड्स इनटू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड्स। जब ये साइनाइड के साथ रिएक्ट होता है तो साइनाइड्स कन्वर्ट्स इनटू नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट्स एंड दीज थायोसाइनेट्स नॉट प्रोड्यूसेस एनी हार्मफुल इफेक्ट, नॉट एब्जॉर्ब इन बॉडी एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये यूरिन से बाहर निकल जाते हैं, सो इट कैनॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द यूजर्स। एंड थर्ड वन दैट्स मैकेनिकल, मैकेनिकल एंटीडोट्स, ये तीन मैकेनिकल एंटीडोट्स, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट्स प्रोड्यूस सम मैकेनिकल एक्शंस पर्टिकुलरली इन रिलेशंस विथ एडमे, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन, तो ये एडमे से रिलेटेड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब ये सारे जो हमारे बायोलॉजिकल एक्शंस होते हैं तो पॉइजनस सब्सटेंसेस द्वारा इसके ऊपर भी कुछ असर गिरता है, और हमारा जो एंटीडोट होता है तो वो पॉइजनस सब्सटेंसेस के इन एक्शंस प्रोड्यूस करने के इसी के ऊपर अफेक्ट करता है। सो दैट्स वी आर सेइंग द मैकेनिकल एंटीडोट्स, इट प्रिवेंट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन्स, क्या करता है ये, इट प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन्स। और एक्सपेल यानी बाहर निकाल देता है, इट थ्रू इमेसिस एक्सपेल इट थ्रू इमेसिस, और इमेसिस यानी क्या, वोमिटिंग, और एलिमिनेशन थ्रू यूरिन, सिंपल। तो ये तीन इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल नहीं होगा, और सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल नहीं होगा तो क्या होगा, वो बाहर निकाल दिया जाएगा, सो इट्स प्रिवेंट्स द एब्जॉर्प्शन, या फिर एक्सपेल इट थ्रू इमेसिस। आप देखते हो कभी कभी आप कुछ फूड कंज्यूम करते हैं, सो इमीजिएटली आफ्टर दैट नोशिया वोमिटिंग सेंसेशन में भी ऑकर्स, दैट सिटीजेड स्टिमुलेट्स एंड वोमिटिंग में भी ऑकर्स, सो आवर बॉडी सिस्टम्स ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ। तो वो जो वोमिटिंग द्वारा आपने जो कुछ खाया होगा कंज्यूम किया होगा जो हमारे शरीर को हार्मफुल होगा तो वो तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके द्वारा हमारे शरीर का प्रोटेक्शन किया जाता है। सो वोमिटिंग दैट इज ऑल्सो वन वे बाय विच पॉइजन्स रिमूव फ्रॉम स्टमक और द अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पार्ट्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। Sometimes that poisonous substances cannot absorb and carried out through kidney and excreted. तो यूरिन द्वारा जो कुछ substances बचे होते हैं हमारे शरीर में तो उसको carry करके निकाल दिया जाता है। So by these three mechanical effects can produced by antidotes, and such antidotes we are saying mechanical antidotes. Examples for that, activated charcoal,
क्यूप्रिक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा. सो बाय दिस थ्री वे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स, केमिकल एंटीडोट्स एंड मैकेनिकल एंटीडोट्स, बाय दिस थ्री क्लासेस वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू इट्स मैकेनिकल एक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, दैट्स वी आर सीइंग कि भाई वो उनके मैकेनिज्म्स एक्शंस के हिसाब से उसको जो है वो क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन थ्री कैटेगरीज. इन आवर सिलेबस देर इज ओनली वन ड्रग इज इंक्लूडेड, सॉरी टू ड्रग्स आर इंक्लूडेड एज एन एंटीडोट्स. फर्स्ट वन सोडियम नाइट्राइड एंड सेकेंड वन सोडियम थायोसल्फेट. तो मोनोग्राफ्स जो है कौन से दो ड्रग्स के हैं, सोडियम नाइट्राइड एंड सोडियम थायोसल्फेट इन दो ड्रग्स. Already these two drugs we are discussed in antioxidants. हमने इनको कहाँ पढ़ा है, एंटीऑक्सीडेंट्स में. हमारे जो शुरुआती टॉपिक्स था एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें पढ़ा हुआ है. सोडियम थायोसल्फेट्स वी आर स्टडीड देयर, सोडियम नाइट्राइट दैट्स वी आर डिस्कस टुडे. द मोनोग्राफ ऑफ सोडियम नाइट्राइट्स वी आर गोइंग टू स्टडी. सोडियम नाइट्राइड फॉर्मूला NaNO2 मॉलिक्यूलर वेट 69.0 सिनोनिम दैट्स नाइट्रस एसिड सोडियम सॉल्ट्स. Preparation, it's very simple. It can be prepared by strong heating of sodium nitrate. Strong heating of sodium nitrate. That's a simple reaction. Twice NaNO3. ये क्या है, ये sodium nitrate है. That's heating is provided. So we are getting twice NaNO2 plus evaluation of oxygen. That's we are getting sodium nitrite. With oxygen. Now properties.
फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट, इट ऑकर्स एज कलरलेस और स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। ओडर, ओडरलेस। टेस्ट, इट इज स्लाइटली सलाइन इन टेस्ट, दैट्स वी आर सेइंग माइल्ड सलाइन टेस्ट। सोल्युबिलिटी, इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वाटर। बट स्पेरिंगली और स्लाइटली सोल्युबल इन अल्कोहल। पानी में आप डालोगे तो वो फ्रीली सोल्युबल हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल में वो स्लाइटली सोल्युबल हो जाएगा या फिर स्पेरिंगली थोड़ा सा ही सोल्युबल होगा, ज्यादा नहीं। अदर प्रॉपर्टीज लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज वी आर सीइंग, एक्वस सॉल्यूशंस आर अल्कलाइन टू लिटमस, अनदर प्रॉपर्टी इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक उसका एक अलग प्रॉपर्टी है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के हिसाब से भी काम करता है। समटाइम इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट विथ द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट। देन यूजेस, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, मेनली इट इज यूज इन साइनाइड पॉइजनिंग। हमने क्लासिफिकेशन में देखा हाउ इट एक्ट एज अ एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग, पर्टिकुलरली how it converts hemoglobin to methemoglobin, and that methemoglobin binds with cyanides and stops to enter in the cell. It is used along with sodium thiosulfate intravenously in cyanide poison. So it is used intravenously with sodium thiosulfate in the treatment of cyanide poisoning. Another use, it is used as a smooth muscle relaxant. It is used as a smooth muscles relaxant. This property is also important.
इट इज यूज एज अ वैसोडाइलेटर. अब ये जो दो इफेक्ट है उसके बोथ आर इंपॉर्टेंट, स्मूथ मसल रिलैक्सेंस एंड वैसोडाइलेटर. ड्यू टू दिस इफेक्ट इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस. सो ड्यू टू दिस अबोव इफेक्ट इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना पेक्टोरिस. अंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, सो ब्लड सप्लाई कैन नॉट बी रीच सफिशियंटली टू परफॉर्म इट्स फंक्शन टू हार्ट. अब ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट को कम होने की वजह, हार्ट जो है उसका जो फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता है, और उसकी वजह से हार्ट को जो एनर्जी मिलना चाहिए, जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और हार्ट के द्वारा सर्कुलेशन जो है वो कम हो सकता है, या फिर जो है उसका जो फंक्शन है वो स्टॉप हो सकता है. तो ये ना हो इसके लिए भी सोडियम नाइट्राइड जो है वो काम में आ सकता है. सोडियम नाइट्राइड पर्टिकुलरली एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर. वैसोडाइलेटर यानी क्या, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है. अब आपको पता है ब्लड वेसल्स मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, एंड व्हेन दैट सोडियम नाइट्राइट रिलैक्सेस स्मूथ मसल्स, सो ऑटोमेटिकली दैट बिकम्स अ डायलेट. जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे तो जो डायमीटर है या जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, वो एनलार्ज हो जाएगी, इलास्टिक उसका जो है वो बढ़ जाएगा इलास्टिसिटी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डायलेट हो जाएगी, और जब डायलेट हो जाएगी बड़ी हो जाएगी तो ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ सकता है, हार्ट को जो है ब्लड जो है सफिशियंट क्वांटिटी में पहुंच सकता है, एंड दैट वे इट यूजफुल इन अंजाइना पेक्टोरिस. इट इज ऑल्सो यूज एज एन एंटी ऑक्सीडेंट. ऑल्सो यूज एज एंटी ऑक्सीडेंट्स और फूड प्रिजर्वेटिव दैट वी आर सेइंग. It is also used to prevent rusting of surgical instrument when added to aqueous disinfectant. Simply, यानी अगर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल ऑफ यू नो दैट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील्स, एंड इफ वी आर स्टरलाइज बाय यूजिंग एक्वस डिसइंफेक्टेंट, सो रस्टिंग, रस्टिंग यानी क्या, उसको गंज लग, ऑक्सीडेशन हो जाना उनका, मेटल ऑक्साइड्स में भी फॉर्म, तो वो रस्टिंग नहीं होना चाहिए, गंज नहीं होना लगना चाहिए उसको, इसलिए भी सोडियम नाइट्राइड का यूज होता है. देन स्टोरेज, इट्स अ कॉमन स्टोरेज कंडीशन, इट शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर
कंटेनर, देन इनकॉम्पेटेबिलिटी, इट इज इनकॉम्पेटेबल विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिनेजोन, मॉर्फिन एंड कैफीन साइट्रेट, कैफीन साइट्रेट एक्सेट्रा. सो ऑल दीज आर अबाउट सोडियम नाइट्राइट इन शॉर्ट. एंड पर्टिकुलरली सोडियम थायोसल्फेट ऑलरेडी वी आर डिस्कस इन एंटी ऑक्सीडेंट्स. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज साइनाइड पॉइजनिंग. That's we see in next lecture. Thank you.